नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप? बढ़िया, मस्त, मजे में। एक्चुअली मैं आपके साथ में एक गुड न्यूज़ शेयर करने के लिए यहाँ पे आया हूँ, जिसका मुझे पता चला था परसों। मेरा राजस्थान क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हुआ है। आप कुछ लोग जो मुझे जानते होंगे वो ये सोचते होंगे कि मेरा कैसे हो गया। बेसिकली बता दो, क्रिकेट टीम जो दिव्यांग क्रिकेट टीम है उस पर मेरा सिलेक्शन हुआ है, राजस्थान क्रिकेट टीम है। तो और हमारा जो फर्स्ट टूर्नामेंट है राजस्थान का वो है 15 तारीख से दाहोद, गुजरात के अंदर एक सिटी है दाहोद, वहाँ पर हमारा टूर्नामेंट है। तो वहाँ पे हम खेलने वाले हैं और बहुत बड़े लेवल, मतलब राजस्थान लेवल पे जो एक नेशनल लेवल पे जो टूर्नामेंट होता है तो काफ़ी अच्छा होने वाला है, और वहाँ की परफॉर्मेंस डिसाइड करेगी इंडियन टीम के लिए। तो पहले तो आपको ये बता दूँ कि सिलेक्शन कैसे हुआ। आपको पता होगा, अगर आप मेरे ब्लॉग्स देख रहे होंगे तो मैं अभी कुछ दिनों अप्रैल में, 7-8 अप्रैल के समथिंग मैं कोटा गया था। तो वहाँ पे मेरे मैचेस थे जहाँ मैं खेला था अजमेर टीम से। तो वहाँ पे मेरी परफॉर्मेंस थोड़ी बेटर रही, तो उसके हिसाब से उनको लगा कि इस बंदे में दम है। तो फिर उसके बाद जोधपुर बुलाया मुझे, एंड देन जोधपुर के बाद फाइनलाइज हुआ हूँ मैं राजस्थान टीम के लिए। तो वहाँ से ये सफ़र राजस्थान तक पहुँचा है। अब अगर मैं अच्छा परफॉर्म करता हूँ राजस्थान लेवल पर तो आगे सफर पहुँचेगा इंडियन टीम तक। तो ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि इंडियन टीम में कब होगा सिलेक्शन, लेकिन जब भी सिलेक्शन होगा वो इस टूर्नामेंट के बाद होगा। तो देखते हैं, अगर सब सही रहा, अगर मैं परफॉर्मेंस अच्छी करता रहा तो जरूर इंडियन टीम के लिए भी खेलेंगे। और इसी के लिए मैं रोज़ नेट प्रैक्टिस करने भी जाता हूँ। एक ब्लॉग में मैंने अभी शेयर भी किया था अपनी नेट प्रैक्टिस के लिए, वो ब्लॉग था जिसमें जब मैंने बोला था कि सब मुझे पागल बोलते हैं, तो वहाँ पे मैंने नेट प्रैक्टिस भी दिखाई थी आपको। वहाँ डेली मैं जाता हूँ अपनी नेट प्रैक्टिस करने के लिए, और काफ़ी मज़ा आता है, इन्जॉय करता हूँ अपने आप को पूरी एनर्जी के साथ, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और तो सबसे पहले शुक्रिया ये कि आप सबने मुझे यूट्यूब पे इतना प्यार दिया, और अभी बहुत सारे प्यार की ज़रूरत है क्योंकि अभी व्यूज़ जो हैं तो बहुत ज़्यादा डाउन है, तो अप लाने की ज़रूरत है। और अगर प्लीज़, मैं चाहता हूँ कि मेरी वीडियोस जो हैं वो अब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक मेरे ब्लॉग्स पहुँचे। फैमिली ब्लॉग्स में बहुत सारे हर तरीके के ब्लॉग बनाता हूँ आपके लिए, तो प्लीज़ एक बार इतना सा मेरे को सपोर्ट चाहिए आपसे कि आप इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सपेंड करें। और वैसे आपको बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कि आप बहुत प्यार देते हैं। बहुत सारे लोग मुझे, मेरे सब्सक्राइबर जो है मुझे मिल जाते हैं अलवर शहर के अंदर, बाहर तो नहीं जानता कोई, तो अलवर शहर में मिल जाते हैं और वो फिर बोलते हैं कि हम आपके ब्लॉग देते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब उनको फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाता कि मैं अपनी कितना अच्छा लगता है आपसे मिलके। कई बार मन करता है कि आपके साथ एक फ़ोटो वोटो ले लूं, पर ऐसा लगता है कि फिर कहीं सामने वाले को अजीब ना लगे, क्योंकि गर्ल्स भी होती हैं तो उस चीज़ में ध्यान रखना पड़ता है। तो बाकी थैंक यू गाइस, और देखते हैं अब सफ़र कहाँ तक चलता है आगे आगे। अगले कल जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा उसमें आपको बताऊंगा कि बेसिकली मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। बहुत कुछ चल रहा है, पर अभी तो व्लॉग को करते हैं यही है। होप सो कि आपको अच्छा लगा हो ये न्यूज़ सुन के। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए सी यू लेटर गाइस। राम राम सा, कैसे हो? सब बढ़िया, मस्त रहा करो यार, कह भी कौन रहे।